इसकी जर्नी शुरू कर रहे हैं और डोमिनार मेरी रेडी है। हवा का इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है बार बार, और आज जा रहे हैं हम यमुनोत्री। एक दिन का स्टे करेंगे और फिर कल वापस आएंगे। सो हवा भर गई है, चलते हैं हम अपनी जर्नी पे। पहाड़ों में घुस गए हैं और नाहन आने वाला है अभी। हमने नारायणगढ़ और शाहजादपुर पार कर लिया है, सो अप्रोक्सीमेटली 30-40 किलोमीटर हम आ गए हैं सुबह सुबह। सो अराउंड 5:30 बजे के आसपास निकले थे, अभी हो रहा है 6:30। सो वी आर ऑन द वे। एज ऑफ नाउ ठंड काफ़ी है, अच्छे खासे ठंड लग रही है। ग्लव्स दूसरे वाले पहन सकता हूँ मैं, पहने नहीं हैं, पर ठीक है अभी चल रहे हैं। ऐसा अच्छा लग रहा है, धूप निकल आई है, सुबह हो गई है, तो अब शायद टेम्परेचर कुछ बढ़ना चाहिए वरना ठंड लग रही है अच्छी खासी। हालांकि काफ़ी लेयर्स पहनी हुई हैं तब भी थोड़ी थोड़ी ठंड तो लगी रही है। अब मन कर रहा है कहीं चाय पीने का, कहीं कुछ मिल जाए तो चाय पी लें। तो नान के पास हमने स्टॉप लिया एक, और यहाँ पर हम बड़े वाली चाय और ब्रेड ऑमलेट खाने के मूड में है। ज़रूरी है, बढ़िया है। तो पाजी मेरे पास है ऑलरेडी, एक ऐसा ही है। खा पी के फिर निकलते हैं हम आगे। ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स रह गया है यहाँ से एज़ पर गूगल भाई, तो देखते हैं कवर करते हैं धीरे धीरे करके, बढ़ते हैं आगे। अराउंड बज रहा है अभी 6:30, 6:45, 6:45 हो रहा होगा। देखो नीचे पानी बह रहा है। चाय बन गई, तो ऑलमोस्ट चाय बन गई होगी। सुबह सुबह तो बहुत सुस्ती आ रही थी, अभी भी देखो बाफ निकल रही है। निकल गए, देखे पहुँचेंगे, कंफर्म भी करना पड़ेगा। दिवाली है आज, इस वजह से क्या पता चीज़ खुली ना हो। हम अभी 8 बजे पोंटा साहब क्रॉस कर रहे हैं, और अब यहाँ से हिमाचल से अब हम एंट्री करेंगे यमुना क्रॉस करके इनटू उत्तराखंड। अब हमारा सारा सफ़र मोर और लेस उत्तराखंड में ही होने वाला है। हिमाचल में आपका स्वागत है यमुना। अब इसके ओरिजिन पे हमने जाना है जहाँ से ओरिजिनल। बहुत ज़्यादा पानी नहीं है अभी। यही रास्ता यमुनोत्री भी जाता है और यही रास्ता आगे मसूरी भी निकल जाता है, जगह निकल जाता है मसूरी। हमारे थोड़ा पेड़ पौधे बहुत हैं इस रास्ते पे, ग्रीन है, बहुत ही फॉरेस्ट वाला टाइप एरिया लग रहा है। नीचे है यमुना सी बनी हुई है और इतना ब्यूटीफुल है ये तो जगह, बहुत सुंदर। बहुत तेज हवा चल रही है सडनली। बीच में जो इस घाटी के अंदर यमुना है। आगे जा रहे हैं विपिंदर पाजी, उन्ना यमुना जी। अब यहाँ से हम यमुना पार कर रहे हैं और एक ये बहुत बड़ा डैम है। दिस इज अ बिग डैम, दिस इज यमुना। डैम इज सो ब्यूटीफुल। दिस इज ऑल यमुना, दिस लग रहा है ना, दिस लुक्स डैम है ना। Look at this. This is Judo. और ये कितने प्यारी यहाँ पे यमुना नदी बह रही है, और तो पानी की क्लैरिटी देखो कितनी है कि नीचे जो पत्थर हैं वो भी साफ दिख रहे हैं, और पानी के पानी बह रहा है और उसके नीचे जो पत्थर है साफ दिखाई दे रहे हैं। तो ब्यूटीफुल है। और ये विपिंदर पाजी
मज़े लेते हैं, और ये हमारा पुल और ये पीछे एक डैम बन रही है, और ये हमारी बाइक्स खड़ी हैं अभी यहाँ पे, एंजॉय कर रही हैं बाइक्स है ना। तो आप दोनों पागल आ गए हैं दिवाली पे। हैप्पी दिवाली। हाँ दिवाली, सबको हैप्पी दिवाली। थोड़ा लेट आएगा वीडियो, लेकिन हैप्पी दिवाली। यहाँ से तकरीबन 122 किलोमीटर रह गया यमुनोत्री। तो एक ब्रेक लिया है 9:30 बजे के करीब। अब कुछ 20-25 किलोमीटर बाद कुछ खाने का भी सोचेंगे। और अभी 25 और नहीं, जो भी आगे मतलब कि कोई मिलता है, कोई ढाबा टूबा, भूख लगने वाली, भूख लग रही है तो खा लेंगे, है ना। जब ये डैम पूरा हो जाएगा तो नीचे बहुत पानी इकट्ठा दिखा करेगा, अभी तो नहीं दिख रहा इतना, पर दिखा करेगा। आज दिवाली वाले दिन आने का ये फ़ायदा हो गया कि ट्रैफिक नाम को भी नहीं है, पर होटल मिल जाए हमको आगे। तो यहाँ से यमुनोत्री 124 बता रहा है। रास्ते में भी खूब सारे वाटरफॉल हैं, बहुत सुंदर। ये देखो बीच वाले, और ये लोगों ने सारा इसको ख़त्म करने में लगे हुए हैं। इस पे वो लगा रखा है क्रशर, पहाड़ ख़त्म करने का भी प्लान कर, इसको ख़त्म कर देंगे। बहुत बढ़िया है बेटा ये। तो वहीं से ऐसे ही ये एक ना, इसका सबसे इसके ऊपर वाला मोड है वन मोड। एक यमुनोत्री के रास्ते में इतना ब्यूटीफुल सा ये झरना है, और झरने के पानी के बीच में हम खड़े हैं। पानी मेरे नीचे से जा रहा है और इतना मज़ेदार ठंडी ठंडा सा मौसम हो रखा है, बहुत ज़्यादा नाइस है, इतना मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। खूब झरने देखने को मिलते हैं, सारी डोमेना आ रहेगी। बेसिकली ये जगह है जहाँ पर एक पुल बना हुआ है यमुना पे, जहाँ क्रॉस करते हैं अदर साइड पे, और यहाँ पे हम फिर से भोजन कर रहे हैं अभी 10:15 बजे, और फिर से खाना कुछ खाया जा रहा है, भूख लगाई थी जो कि हमको बहुत जल्दी भी लगती भी है, तो अभी हम वही खा पी रहे हैं। तो यमुना पुल, इस जगह का नाम ही यमुना पुल है क्योंकि ये यमुना पे पुल है। अब यहाँ से रह गया यमुनोत्री ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स। पूरा खाना पीना सब मोस्टली कर लिया, अब हम कोशिश करेंगे 50-60 किलोमीटर चलाने के बाद ही कोई ब्रेक ले, अब क्योंकि काफ़ी ब्रेक ले लिया हमने। हमारा प्लान कल का है दर्शन करने का, आज का है बस पहुँचने का। अब 11 बज रहे हैं तो मेरे ख्याल से काफ़ी लेट में हो जाए पहुँचते। बहुत ही पीछे वहाँ से कैंपटी फॉल सिर्फ 13 किलोमीटर था, तो हो सकता है आते हुए अगर सफिशिएंट टाइम रहा तो कैंपटी फॉल देखने का प्रयास कर सकते हैं। वर्कआउट 63 है, कितने पुल हैं यमुना पे, कभी इधर से उधर, उधर से इधर क्रॉस करे जा रहे। तो एक और पुल है जी, एक और पुल क्रॉस कर लेता है। नैन बाग, यमुनोत्री सीधी, बरकोट सीधा, बरकोट 50 किलोमीटर। इससे पहले एक पेट्रोल पंप भी था छोटा सा। पे नहीं है, यमुना के ट्रिब्यूटरी पे है, पर बड़ा ब्यूटीफुल है यार। रास्ता बेसिकली यमुना के साथ साथ ही है, वहाँ से बहुत दूर तक रास्ता दिख रहा है और बहुत ही ब्यूटीफुल रहता है। दूर तक रास्ता दिख रहा है, वो जैसे सांप की तरह रास्ता जा रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है। भूपेंद्र पाजी ने पूरी खैच रखी है बुलेट। नदी नीचे बह रही है और उसके साथ साथ हम लोग, बहुत ही मज़ेदार रास्ता है। ऊपर चढ़ाने में तो साइकिल की भी ऐसे हो जाती होगी। डमटा विलेज, ये भी काफ़ी बड़ा लग रहा है गाँव। वहाँ से अराउंड 80 किलोमीटर है यमुनोत्री। कल रास्ता ज़्यादातर अच्छा ही है और मज़ा ही आ रहा है रास्ते पे देख के, अच्छी ठीक सी स्पीड पे गाड़ी। बाइक मंडल है बीच में, लाखामंडल टेंपल और उसकी केव्स काफ़ी मशहूर हैं। लाखामंडल का मंदिर और उसकी केव अगर खुली होंगी तो
तो आज ही देखते हुए उसको आगे चले जाएंगे, क्योंकि दर्शन तो हमने कल ही कर पाने हैं। आज तो दर्शन करने का मौका मिलने वाला नहीं है। और ये और गांव आ गया। रुको रुको रुको, वेट 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 वेट, पूरे ठीक। तो हमने अब लाखा मंडल देखने का प्लान किया है। मंडल को केव टेंपल है, ब्यूटीफुल। लाखा मंडल की केव। और भाजी सबसे पहले पहुंचने में लगे हुए हैं। मैं चढ़ के जाना है, रास्ता पता नहीं यहाँ से है। ऊपर हेडिंग जैकेट में चढ़ना भी अपने आप में एक चैलेंज है। यहाँ की लाखा मंडल गुफा कहते हैं क्या सर? लाखा मंडल गुफा जो है लाखा मंडल की प्रसिद्ध गुफा है। ओ, लाखा मंडल की गुफा यमुनोत्री के रास्ते में ही पड़ता है और यमुना नदी के किनारे। तो उसे इसका क्या महत्व है इसके पीछे? मेरे ख्याल से नीचे पांडव लिखा हुआ था, तो हो सकता है पांडवों का शायद अपने अज्ञातवास में यहाँ पर रहे हो। गुफा चारों तरफ कुछ है नहीं खास, लेकिन बहुत सुंदर लग रही है ये तो बेसिकली। और यहाँ से यमुना नदी दिख रही है और तो आगे हम निकल के यहाँ पे, और ये चारों तरफ का बहुत बढ़िया। जी क्या नाम है आपका? प्रकाश जी। कुछ बता दो मंदिर के बारे में, केव के बारे में। ये तो पूरा जो है ये पूरा भवानी पर्वत है। भवानी पर्वत जी, भवानी गुफा है। माता पार्वती की तपस्या रही जब कार्तिकेय स्वामी देवताओं का सेनापति नियुक्त हुआ था तारकासुर का वध करने। अच्छा। तो उसको शक्ति बल प्रदान करने को माता ने यमुना को दिया था। यही यमुना का किनारा आपकी सरकार से आगे जा चुके सभी काल से। ये कहाँ से है? यमुना जो सामने है। हाँ हाँ, इतने दूर जा चुके। अच्छा, पहले यहाँ यमुना यहाँ बहती थी। हाँ, यमुना लेवरी जो इसका टॉप कुआं बना हुआ है। हाँ, बात कर रहे थे वैसे कुआं में पानी भी रहा होगा जब यहाँ पे इस लेवरी में नजर आई। अच्छा हाँ, यमुना यहाँ रही हो तो पत्थर से पता चल रहा है कि यमुना यहाँ रहती थी पहले। गोल पत्थर तो यहाँ तक लेवल था यमुना का जो बहुत छोटे 5000 वर्ष के पांडवों को होंगे। पहले कभी इतने ऊंची थी यमुना बहती थी, है ना? इसके पत्थरों से भी पता चल जाता है एकदम गोल से पत्थर है कि कार्तिकेय को जो वो दिया था वर दिया था द्वारकासुर ने, वर मांगा था ना ब्रह्मा। अच्छा, द्वारका पुत्र के शस्त्र द्वारा मेरे मृत्यु हो। अच्छा, तो कार्तिकेय का क्यों? उसको पता था माता सती तो सती हो गई। हाँ, शिव ने शादी करनी नहीं है, पुत्र होगा नहीं। हाँ, लेकिन देवताओं के आग्रह करने पर जो है भगवान को देवनाथ ने हिमालय विवाह हुआ। कार्तिकेय का जब जन्म हुआ, जन्म के बाद उनको जो है सेनापति जी को होना था। अच्छा, क्योंकि द्वारकासुर ने तो तीनों लोगों में साम्राज्य जमा रखा था। सही है। तो फिर वो माँ का जब है उसने सोचा ये ना हो कि मेरा बच्चा उसमें बड़े बेटे के कारण कमजोर ना पड़ जाए, तो उन्होंने उसको शक्ति और बल प्रदान करने दर्शन करके आप जाओगे। मंदिर का क्या, मंदिर का क्या महत्व है? मंदिर में जब स्वर्ग आरोहण पांडवों का हुआ था तो स्वर्ग आरोहण के समय पर उन्होंने यहाँ पे मंदिर दिए और 2,25,000 दिनों से। अच्छा, ऐसे शिवलिंग में जिस पर आप जल चढ़ाओगे तो अपने आप को फोटो शिवलिंग की जीत आपके फोटो शिवलिंग। यमुनोत्री का कितना टाइम लगता है?
प्राचीन पांडव गुफा और बस इतना ही है सर, ये यहाँ तक, ये यहीं तक है सर, आगे अंदर तक है। ये है प्राचीन पांडव गुफा, ये जब लाखा मंडल जा रहे हैं उसके स्टार्ट में ही है, तो इसको भी देख लेते हैं। ऊपर वाले तो देख चुके, ये भी है। कहानी भी है क्या इसका? ऐसा कहते हैं लोग कि यहाँ जो है वो पांडवों ने अज्ञातवास में समय व्यतीत किया था। अच्छा, तो आगे गुफा घुमा पाई तो अभी भी घुमा दे, असि भी वेख आते तो फोटो कर देना साड़ी, थोड़ी तो दूर से कर देना वहां से।